मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के शहर लॉल में बस हादसे में हलाक होने वाले बच्चों की याद में शमे रोशन करने की तकरीब में कैनेडियन वजीर आजम की शिरकत। ट्रूडो का कहना था कि इस तरह के वाकयात हमारे लिए नाकाबिल तस्वुर हैं। कनाडा का जलजले से मुतासर इलाकों के लोगों के लिए इमिग्रेशन दरख्वास्तें जल्द निपटाने का इम्कान। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि इमिग्रेशन कनाडा जलजले से मुतासर इलाके के लोगों के लिए काम कर रहा है। कनाडा में तुर्किया की मदद की ख्वाहां टीमों के लिए डेडलाइन खत्म। कनाडा के शहर टोरंटो में बारिश का सिलसिला जुमे के रोज भी जारी रहने का इम्कान। वीकेंड पर शहर का मौसम सर्द रहने का इम्कान है। TRCA ने GTA के लिए सैलाब का आउटलुक जारी कर दिया। तुर्किया शाम में अमवात 21,000 से मुतजावज, मलबे तले दबे अफराद के बचने के इम्कान कम। हुकाम का कहना है कि तुर्किया और शाम में अमवात में इजाफे का खदशा है। जलजले से मुतासर इलाकों में हजारों अफराद सख्त सर्दी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुशखबरी मिल गई। डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। कवायद की खिलाफ वर्जी पर ट्रंप को दोबारा पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि क्यूबेक सूबे के इलाके लॉल में बस हादसे में बच्चों की हलाकत नाकाबिले तस्वुर है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि क्यूबेक सूबे के इलाके लॉल में बस हादसे में बच्चों की हलाकत नाकाबिले तस्वुर है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने लॉल के एक डे केयर सेंटर में बस की टक्कर के सबब हलाक होने वाले बच्चों की याद में शमे रोशन करने की तकरीब में शिरकत की, ताकि बच्चों के अहल खाना के दुख में शरीक हो सकें। उनका कहना था कि ये वाकया जिसने दो बच्चों की जान ले ली और कई जख्मी हैं, हमारे माशरे के लिए नाकाबिले तस्वुर है। ट्रूडो ने कहा, यह नाकाबिले यकीन नुकसान पर गौर करने का एक लम्हा है जो खानदान उस वक्त महसूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो लोग सबसे पहले हादसे के मकाम पर पहुंचे वो हमारे हीरो हैं। हम उनके बारे में सोचते हैं जब वो जद्दोजहद करते हैं कि उन्हें क्या करना था और उन्हें क्या देखना था। हम उन तमाम लोगों के बारे में सोचते हैं जो अभी यहाँ लॉल में और पूरे मुल्क में कम्युनिटी के बारे में सोचने के लिए पहुँचे हैं। एक दूसरे के साथ रहने के लिए, गम के दिनों और महीनों और सालों में मदद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दो बच्चे जिनकी उम्रें 4 साल थी, सुबह 8:30 बजे के फौरन बाद उस वक्त हलाक हो गए जब एक सिटी बस डे केयर सेंटर से टकरा गई। 6 दीगर बच्चे जख्मी हुए जिन्हें इलाके के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। 51 साल बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फर्स्ट डिग्री कत्ल के 2 मुकदमात और हादसे से मुतालिक 7 दीगर इल्जामात का सामना है। ट्रूडो ने कहा, हम सिर्फ एक दूसरे के लिए मौजूद हैं और यही इस कम्युनिटी के लोग और मुल्क भर के लोग अपने हम वतनों इजहार यकजहती करते हैं। दूसरी जानिब क्यूबेक के वजीर आला असेंबली में तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमा एक यादगारी मकाम पर फूल चढ़ाए और मुतासरीन के अहल खाना से इजहार ताजियत किया। कनाडा जलजला ज़दा इलाकों के लोगों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों को तेज़ी से ट्रैक कर सकता है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा जलजला ज़दा इलाकों के लोगों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों को तेज़ी से ट्रैक कर सकता है। इमिग्रेशन के वजीर शॉन फ्रेज़र ने इस हफ्ते इशारा दिया कि कनाडा, तुर्की और शाम के जलजला ज़दा इलाकों में
लोगों की तरफ से कनाडा आने के लिए दरख्वास्तों को तेजी से ट्रैक कर सकता है। दो बड़े जलजलों ने पीर के रोज जुनूब मगरबी तुर्की और शुमाल मगरबी शाम को चंद घंटों में लर्जाया, जिससे हजारों इमारतें तबाह हो गई। तस्दीक शुदा हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसमें 19,800 से ज्यादा अफराद हलाक और कम अज कम 64,000 अफराद जख्मी हुए हैं। मजीद 10,000 शदीद सर्दी में बेघर हैं और खुराक, पानी और पनागाह तक रसाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। शॉन फ्रीजर ने कहा कि उनका महकमा कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में पहले से मौजूद मुस्तकिल रिहाइश के दरख्वास्त दहिंदगान पर जलजले के असरात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उनकी मदद कैसे की जाए। उनका कहना था कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम में मौजूद क्लाइंट्स पर क्या असर पड़ता है। बुध को कनाडा ने डिजास्टर असिस्टेंट टीम को खत्ते में तैनात किया, ताकि ये तायुन किया जा सके कि कनाडा से किस इजाफी इमदाद की जरूरत है। डिजास्टर असिस्टेंस रिस्पांस टीम भेजने के बारे में कनाडा के फैसले में इस तरह की तैनातियों की सबका मिसालों की बुनियाद पर कुछ और दिन लग सकते हैं। कनाडा ने अपनी तशखीसी टीम भेजने के तकरीबन 6 दिन बाद उसने रिस्पांस टीम को तैनात किया, जिसमें तकरीबन 200 अहलकार शामिल थे। वैनकोवर में तुर्की के कौंसल खाने का कहना है कि ब्रिटिश कोलम्बिया के रजाकारों का एक निजी ग्रुप मुल्क के जलजला ज़दा इलाके में कनाडा की वाहिद सर्च एंड रेस्क्यू टीम होगी, जबकि दूसरों की शिरकत करने के लिए डेडलाइन खत्म हो गई है। कनाडा के शहर टोरंटो में बारिश का सिलसिला जुमे के रोज भी जारी रहने का इम्कान, जबकि रात के औकात में हल्की बर्फबारी भी मुतवक्के है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में बारिश का सिलसिला जुमे के रोज भी जारी रहने का इम्कान है, जबकि रात के औकात में हल्की बर्फबारी भी मुतवक्के है। टोरंटो शहर और डरहम और यॉर्क के इलाकों को एनवायरमेंट कनाडा ने मौसम के खसूसी बयान के तहत रखा है, जिसमें शदीद बारिश और तेज़ हवाओं से खबरदार किया गया है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का मौसम सर्द रहेगा, जबकि इस दौरान दर्जा हरारत कम से कम हफ्ते की शाम मनफी और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इतवार के रोज़ दिन के औकात में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। बारिश की कुल मकदार 15 से 25 मिलीमीटर रेंज में मुतवक्के है। जुनूब मगरबी हवाएँ 70 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हॉल्टन और पील के इलाकों को आज मुंजमद बारिश के इंतबाह के तहत रखा गया था। ताहम एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि दोपहर तक इस इलाके में दर्जा हरारत अंजुमात से ऊपर जाने की तवक्को है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि नाकिस निकासी आब वाले इलाकों में मुकामी सतह पर सैलाब और पोलिंग हो सकती है, और वो ड्राइवरों को मशवरा दे रहा है कि वो सड़कों पर निकलते वक्त मोहतात रहें। टोरंटो एंड रीजन कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सैलाब का आउटलुक जारी किया है, जो जुमे तक नाफिस रहेगा, जिसमें खबरदार किया गया है कि पिघलने वाली बर्फ और बर्फ के साथ मिलकर शदीद बारिश के नतीजे में पानी की सतह में इजाफा होगा और मकामी दरियाओं में बह जाएगा। TRCA की जानिब से कहा गया है कि GTA के अंदर तमाम नदियों को खतरनाक समझा जाना चाहिए, क्योंकि इन हालात के नतीजे में पानी की सतह बुलंद हो जाएगी। तुर्किया में जलजले से 17,000 से ज़ायद, जबकि शाम में 3,000 से ज़ायद अफराद जाबहक हो चुके हैं। सैकड़ों मुनहदिम इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को जिंदा निकालने की उम्मीदें मादूम होती जा रही हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तुर्की और शाम में 6 फरवरी में आने वाले जलजले में जाबहक अफराद की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। 3 रोज़ कबल तुर्किया और शाम में 7.8 शिद्दत के क़यामत खेज जलजले से मुतासर हजारों अफराद शदीद सर्दी में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। जलजले से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्किया में जलजले से 17,000 से ज्यादा, जबकि शाम में 3,000 से ज्यादा अफराद जाबहक हो चुके हैं। सैकड़ों मुनहदिम इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को जिंदा निकालने की उम्मीदें मादूम होती जा रही हैं। तुर्किया के नायब सदर ने बयान में कहा कि क्लीस और शानली औरफा सूबों में रेस्क्यू और तलाश का काम मुकम्मल हो गया है, जबकि दियारबकर, अदना और उस्मानिया के इलाकों में भी बड़े पैमाने पर तलाश और रेस्क्यू की कार्रवाइयां मुकम्मल हो चुकी हैं। दोनों ममालिक के हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने सूबा उस्मानिया में जलजले के मुतासरीन से मुलाकात की और वहां जारी इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेते हुए कहा कि जलजले ने बड़ी तबाही मचाई है और इस सदी की आफत करार दिया जा सकता है। इलावा अजीज तुर्क पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद जनूबी तुर्किया के जलजले से मुतासर 10 सूबों में 3 माह की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उधर आलमी बैंक ने इमदाद और बहाली की कोशिशों में मदद के लिए तुर्की को 1.78 बिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने तुर्क हम मनसब से तुर्किया और शाम को इमदाद जारी रखने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया।
मेटा ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को 6 जनवरी 2021 को अमरीकी कैपिटल में होने वाले वाकयात के सिलसिले में 2 साल की मौतली के बाद दोबारा बहाल कर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मेटा ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट्स को 6 जनवरी 2021 को अमरीकी कैपिटल में होने वाले वाकयात के सिलसिले में 2 साल की मौतली के बाद दोबारा बहाल कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को अब अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर पोस्ट करने की इजाज़त है, ताहम उन्होंने अभी कुछ भी पोस्ट नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स की पेरेंट कमेटी मेटा ने कहा कि उसने पाबंदी खत्म करने का फैसला इस बात का तायुन करने के बाद किया कि ट्रंप की ऑनलाइन सरगर्मी से अवामी तहफ़ को लाहक खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। मेटा का कहना है अगर ट्रंप ने दोबारा इस जराइम को दोहराया तो सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी करने पर ट्रंप को 1 माह से 2 साल की मुद्दत तक फेसबुक से दोबारा हटाया जा सकता है। वाजे रहे कि फेसबुक ने 6 जनवरी को अमरीकी कैपिटल में होने वाले वाकयात के बाद ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया था, जब उनके कुछ हामी कई अमरीकी रियासतों से 2020 के सदारती इंतखाबात के नतायज की तस्दीक के खिलाफ एहतजाज करते हुए सदारती महल की इमारत में दाखिल हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप 2024 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स की बहाली से वो वोटरों और सियासी फंड रेजिंग तक रसाई हासिल कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2021 तक इंस्टाग्राम पर 23 मिलियन और फेसबुक पर 34 मिलियन फॉलोअर्स थे। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।